बसपा जहां अपनी जीत से गदगद है, वहीं समाजवादी खेमे में मायूसी है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी इस चुनाव में विधानसभा चुनाव की हार का हिसाब पूरा करना चाहती थी, वो एक भी सीट नहीं जीत पाई। मतलब समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। उसने जिस जिस सीट पर अपने उम्मीदवार उतारे, वो या तो हार गए या फिर मैदान छोड़ गए। बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये पांचवी बड़ी हार है और 2022 में तो डबल झटका है, जिससे पूरे समाजवादी कुनबे में हड़कंप मचा है। भाजपा ने रचा इतिहास, सपा का सूपड़ा साफ, अखिलेश का फ्लॉप शो जारी, हार के बाद सियासत भारी। जहां भाजपा के खेमे में जीत का जश्न है, वहीं समाजवादी पार्टी के दफ्तरों में सन्नाटा पसरा हुआ, क्योंकि 58 जिलों के जिन 27 सीटों पर सपा जीत का दंभ भर रही थी, उन सभी सीटों पर सपा की साइकिल बुरी तरह से पंक्चर हो गई है, क्योंकि 3 निर्दलीय चुनाव जीत गए लेकिन सपा खाता तक नहीं खोल पाए। जानकारों की माने तो ये समाजवादी पार्टी का अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन है। समाजवादी पार्टी को पहले विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा और फिर जब विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव हुए तो उसमें भी समाजवादी पार्टी को करारी हार झेलनी पड़ी। खासतौर से ऐसे जिले जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहे जाते हैं, वहां पर तो पार्टी के उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। अगर आजमगढ़ की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें हासिल की थीं, लेकिन जब बारी विधान परिषद चुनाव की आई तो यहां समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार अपनी जमानत बचाने में कामयाब नहीं रहा। ये सपा की बैक टू बैक पांचवी हार है, क्योंकि सच तो ये है कि 2012 के बाद से सपा के लिए कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आई। जो हार का सिलसिला 2014 में शुरू हुआ, वो 2017, 2019, 2022 में भी जारी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी अपनी दिशा तय नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ भाजपा हर सदन में खुद को मजबूत करती जा रही है। अब मुद्दे की बात यह है कि क्या समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव से कोई सबक नहीं लिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी उन सीटों को भी नहीं जीत पाई जिन्हें विधानसभा चुनाव में सपा ने जीता था। क्योंकि जिस आजमगढ़ को मिनी यादव लैंड कहा जाता है, वहां सपा ने विधानसभा की सभी 10 सीटें जीती थी, लेकिन वहां निर्दलीय विक्रांत सिंह चुनाव जीत गए और सपा की हार हो गई। ठीक इसी तरह गाजीपुर, अम्बेडकर नगर और शामली में भी सपा पूरी तरह से फेल रही। बड़ी बात यह है कि एमएलसी चुनाव के लिए सपा ने एकदम अलग रणनीति बनाई थी और इसकी कमान प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को दी गई थी, बावजूद इसके हर बनाई गई रणनीति फेल हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।